पिदाइश की किताब उसका 10वां बाब। नूह के बेटों सीम, हाम और याफत की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके हाँ बेटे पैदा हुए। बनी याफत ये हैं, जुमर और माजूज और मादी और यावान और तोबल और मस्क और तेरास। और जुमर के बेटे अश्कनाज और रिफत और तुजर्मा। और यावन के बेटे अलीसा और तरसीस, कित्ती और दुदानी। कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बटकर हर एक की जुबान और कबीला के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और ग्रोह हो गए। और बनी हाम ये हैं, कूश और मिस्र और फोत और कैनान। और बनी कूश ये हैं, सबा और हवीला और सबता और रमा और सबतीका। और बनी रमा ये हैं, सबा और दुदान। और कूश से नमरूद पैदा हुआ और वो रुए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्के सनार में बाबल और अरक और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहबूत एर और कलहा को और नैनवा और कहला के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया। और मिस्र से लूदी और अनामी और लहाबी और नफ्तूही और फितरूसी और कसलूही और कफ्तूरी पैदा हुए। और केनान से सैदा जो उसका पहलौठा था और हित और यबूसी और अमूरी और जरजासी और हव्वी और अरकी और सीनी और अरवादी और समारी और हमाती पैदा हुए। और बाद में किनानी कबीले फैल गए। और किनानियों की हद ये है, सैदा से गजा तक जो जरार के रास्ते पर है, फिर वहाँ से लसा तक जो सदूम और अमूरा और अदमा और जबियान की राह पर है। सो बनी हाम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। और सिम के हाँ भी जो तमाम बनी इब्र का बाप और याफत का बड़ा भाई था, औलाद हुई। बनी सिम ये हैं, एलाम और असूर और अर्फकस्त और लूद और आराम। और बनी आराम ये हैं, ऊज और होल और जतर और मस। और अर्फकस्द से सला पैदा हुआ और सला से इबर। और इबर के हाँ दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम फलज था क्योंकि ज़मीन उसके अयाम में बटी। और उसके भाई का नाम युक्तान था और युक्तान से अल मुदाद और सल्फ और हसार मावत और इराख। और हुदूराम से ओजाल और दकला और ओबल और अबीमाइल और सबा। और ओफीर से हवीला और योबाब पैदा हुए, ये सब बनी युक्तान थे। और इनकी आबादी मीसा से मशरक के एक पहाड़ सफार की तरफ थी। सो बनी सिम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। नू के बेटों के ख़ानदान उनकी ग्रोहों और नस्लों के अतबार से यही हैं। और तूफ़ान के बाद जो कौमें ज़मीन पर जा बजा मुनकसिम हुईं, वो इन्हीं में से थीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो।